Hello, welcome back to my YouTube channel, Live Life with Yasmin. So, first of all, thank you guys for all the love. So, guys, video ko pura dekhna kyunki video ke end mein main aapse puchungi ek paheli question. To uske liye aapko video ko pura dekhna padega. To video ko end tak zarur dekhna kyunki video ke end mein main puchne wali hu aapse ek sawal jiska answer aapko dena hoga. So, video start karne se pehle main ek request karungi ki jo log is channel par naye hain, please channel ko subscribe kar dijiye and hit the bell icon. मेरी न्यू वीडियो का अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाए. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू मेबेलिन के कॉम्पैक्ट पे. आज रिव्यू करेंगे, इसका डिटेल रिव्यू होगा. जो हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट पे. न्यूयॉर्क व्हाइट सुपर फ्रेश विथ प्योर परलाइट. तो ये जो प्रोडक्ट है, इसे मैं काफी टाइम से मैंने यूज किया है, और लेकिन मैंने इसे ज्यादा यूज नहीं किया है. पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं हम. तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी ये पैकेजिंग है, कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड में आता है. और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये मैंने अपने नियर बाय स्टोर से ही लिया था, इसे मैंने कुछ ऑनलाइन नहीं मंगाया था. और ये इस तरह के कार्डबोर्ड में आता है, और इस पे पूरी इसकी बारे में डिटेल है. और ये है SPF 28 के साथ ये आता है. ये व्हाइटिश स्किन है, और 12 आवर व्हाइटनिंग प्लस फ्रेशनेस कॉम्पैक्ट है, डर्माकोलॉजिस्ट टेस्टेड है. तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो डर्माकोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और जो इसका एमआरपी है वो है 175 रुपीज. 2 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है, और ये प्रोडक्ट है 8 ग्राम, और ये 8 ग्राम प्रोडक्ट है इसमें. और ये क्लेम करता है कि आपको 12 आवर व्हाइटनिंग प्लस फ्रेशनेस देता है. तो ये वाला जो कॉम्पैक्ट है, ये ठीक ठाक है, बट हाँ, ये अगर कुछ आपको रीजनेबल रेट में कॉम्पैक्ट चाहिए, कम बजट है अगर आपका, तो आप ये वाला कॉम्पैक्ट ट्राई कर सकते हैं. मैबेलिन का अगर लेना है तो मैबेलिन की ये कॉम्पैक्ट में ये थोड़ी सी कम रेंज का प्रोडक्ट आपको ये वाला मिल जाएगा. तो अंदर से है कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट है, और इसके पीछे भी इसकी डिटेल लिखी हुई है. ये इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको मिलता है. यहाँ पर एक मिरर मिलेगा, उसके बाद है ये इस तरह का इसका स्पॉन्ज है, और यहाँ पर है प्रोडक्ट. तो इसमें 3-4 शेड अवेलेबल हैं, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं. और ये आपको फाउंडेशन वगैरह जब आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी, उसके बाद आपको लूज पाउडर के बाद इसको लगा लीजिए. तो ये आपको क्लेम करता है कि ये 12 आवर तक आपको फ्रेशनेस और फ्रेशनेस देता है. तो ये जो प्रोडक्ट है, ये SPF 28 के साथ आता है, तो आपके लिए सनस्क्रीन का भी काम करेगा ये प्रोडक्ट. मैबेलिन का ही एक और कॉम्पैक्ट है मेरे पास, ये वाला. ये सबसे पहले वाली पैकिंग थी मैबेलिन की, उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला, उसके बाद आया था ये वाला, उससे पहले था ये वाला कॉम्पैक्ट. तो इसकी जो पैकेजिंग है ना, वो चेंज होती रहती है. कभी ये स्क्वायर शेप में आता है, कभी रेक्टेंगल, कभी सर्कल. तो ये इसकी ये वाली पैकिंग भी मैंने ट्राई करी थी, और ये है SPF 26 PA++ के साथ आया था. और क्लियर ग्लो ऑल इन वन फेयरनेस कॉम्पैक्ट पाउडर है, इंटेंस फेयरनेस और स्मूथ इवन स्किन शाइन कंट्रोल. तो ये प्रोडक्ट की, ये भी कार्डबोर्ड में आया था, लेकिन इसका कार्डबोर्ड अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जे इसको यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए वो मेरे पास मुझसे मिसप्लेस हो चुका है. तो ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ. इसमें भी आपको ऑब्वियसली मिरर मिलता है, यहाँ पे ये मिरर मिलेगा. और इसे मैंने यूज कर लिया है, तो ये थोड़ा सा खत्म भी हो गया है. और ये है इसका ब्लेंडर, और यहाँ पर आपको मिरर मिलेगा इसमें. यहाँ पर ये ब्लेंडर है इसका, और ये है ये प्रोडक्ट है. यहाँ पर मिरर आपको सब में मिलेगा, ये इसकी मुझे अच्छी बात लगी. और ऑब्वियसली ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं आप इसे. उसके बाद जो एक और है मैबेलिन का, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, वो है ये वाला. और ये है, इसमें मेरा शेड है 03 नेचुरल, मैबेलिन न्यूयॉर्क का है ये भी. क्लियर स्मूथ ऑल इन वन ऑयल कंट्रोल प्लस लाइट वेट है, फ्लोलेस कवरेज है इसकी, 2-वे केक है. तो आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं इसे. और SPF 32 PA++ के साथ आता है. तो इसकी जो पैकेजिंग थी ना, वो बहुत रिच लगी मुझे, बहुत अच्छी. जैसे कोई आपने बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट ले रखा है ना, इस तरह की इसकी पैकेजिंग थी, और बिल्कुल
ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा इसे कैरी करती हूँ अपने साथ, इन दोनों से ज्यादा मुझे इसकी पैकेजिंग ज्यादा अच्छी लगी. इन दोनों की पैकिंग भी ठीक ठाक है, बट मुझे इसकी जो बॉक्स था वो मुझे बहुत पसंद आया गाइस पर्सनली. और इसमें यहाँ पर लिखा है मैबेलिन न्यूयॉर्क, और इसके पीछे भी इसकी डिटेल है. ऑयल कंट्रोल प्लस लाइट वेट फ्लोलेस कवरेज, टू वे केक है ये, 03 में मेरा शेड है. और गाइस इसका जो MRP है वो है 300 रुपीज, और इसकी शेल्फ लाइफ भी 2 की है. तो ये इसकी ना जो स्मेल है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी थी गाइस, इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत अच्छी है. और अंदर से कुछ ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसमें ऑब्वियसली इसलिए इसमें भी आपको मिरर मिलेगा, ये है मिरर. और यहाँ पर ये है इसका प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये इसका ब्लेंडर है. यहाँ पर ये देखिए, ये इसका ब्लेंडर. इसका ब्लेंडर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट सा है इसका ब्लेंडर. और ये इसका प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर मिरर मिलेगा आपको. तो बहुत अच्छा, बहुत ट्रेवल फ्रेंडली, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट. ये देखिए इस तरह की इसकी पैकेजिंग है. तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है प्रोडक्ट, लेकिन ये वाला जो था ना मुझे बहुत पसंद आया है. ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको आप सिर्फ अपना मेकअप कंप्लीट, आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, या फिर जो भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, तो वो करने के बाद आप इसे अप्लाई कर लीजिए. जब आप लूज पाउडर लगाते हैं उसकी जगह आप अगर इसको लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छी कवरेज देगा आपको. सारे जो आपके डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेज हैं, उसे ये कंट्रोल करता है, हाइड कर देता है. और क्यों, बहुत अच्छी कवरेज है इस वाले कॉम्पैक्ट की, ये बहुत बढ़िया है. और अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको लेना है इसे. ये मेरा शेड है 03 इसमें. तो बाकी मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपने बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना है, बहुत लाइट कवरेज, आपको लाइट मेकअप चाहिए, तो आप सिर्फ इस कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे. इनमें से तीनों में से कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये वाला जो है ये ज्यादा अच्छी, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत रिच सा प्रोडक्ट है ये. तो गाइज, अगर आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को, आप लोग कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आप मुझे भी वो ऑब्वियसली सजेस्ट कर सकते हैं. आप मुझे ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो गाइज आप मुझसे शेयर जरूर कर लीजिएगा. आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको और किस किस चीजों का रिव्यू चाहिए, तो मैं आपके लिए उसका जरूर रिव्यू करूंगी. सो गाइज, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखा करें तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें. तो गाइज, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगी, तो एक पहेली है मेरे पास. तो गाइज, पहेली कुछ इस तरीके से है, फूल भी हूँ, फल भी हूँ, और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई. तो आप मुझे इसका आंसर करिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नीचे. और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी. सो तब तक के लिए, टिल देन, बाय बाय.